गाइस, राधे राधे। मैं हूं दीपक गोस्वामी और फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में। दोस्तों, मैं रोटी सब्जी दाल चावल ये खा के बिल्कुल पक चुका हूं, इसलिए आज मैं बनाने वाला हूं उत्पम। उत्पम बहुत ही अच्छी डिश है और घर में बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। बस इसको 4 से 5 घंटे के लिए इसका बैटर तैयार करके उसको फुलाना पड़ता है, तो मैं उसका बैटर तैयार कर देता हूं। 4-5 घंटे के बाद मैं उत्पम बनाऊंगा, तो इस डिश को देखते हैं। घर में बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी बनता है, और जब आप रोटी सब्जी दाल चावल खा के उग गए हों, आपका कुछ भी खाने का मन ना करे, तो आप ये उत्पम ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है उत्पम। दोस्तों, मैंने यहाँ लिया है 1 गिलास पानी, ये मैंने घिसनी ली है, इससे मैं पत्ता गोभी और टमाटर घिसूंगा। ये मैंने 1 कप सूजी मतलब 1 कप रवा लिया है। ये लिया है मैंने 1 छोटी कटोरी दही, बहुत छोटी कटोरी है। ये 1/4 पत्ता गोभी है, मीडियम साइज का पत्ता गोभी है उसका 1/4। ये 3 टमाटर है, ये थोड़ा सा धनिया है, ये मिर्ची है, हींग है, लाल मिर्च है और नमक है। तब तक हम पत्ता गोभी और टमाटर को अलग अलग घिस लेंगे, धनिया को और मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। दोस्तों, ये देखिए मैंने टमाटर और पत्ता गोभी बहुत ही बारीक घिस लिया है और धनिया मिर्च को मैंने बारीक काट लिया है। ये मैंने मेरी भगोनी निकाली है। अब मैं इसमें डालता हूँ अपना 1 कप सूजी, उसके बाद छोटी 1 कटोरी दही, उसके बाद ये घिसा हुआ टमाटर, उसके बाद ये घिसा हुआ पत्ता गोभी, धनिया और मिर्च, थोड़ी सी हींग, आप आपके स्वादानुसार इसमें हींग डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच मिर्च डाली है, 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते जाएंगे, एकदम से पूरा पानी नहीं डालना है। ये 1 गिलास पानी पूरा डाल दिया है हमने, हम और 1 गिलास पानी ले लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको इससे चलाएंगे, इसको अच्छे से फेंटना है, इसको कम से कम 5 मिनट फेंटेंगे हम। थोड़ा और पानी डालेंगे, थोड़ा और पानी, तकरीबन 1/4 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है, इससे ज्यादा पानी का यूज हमें नहीं करना है। अब इसको अच्छे से फेंटेंगे, तकरीबन 5 मिनट हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। ये देखिए बैटर इसका ऐसा रहेगा, न ज्यादा पतला न ज्यादा गाढ़ा। अब हम इस बैटर को तकरीबन 4 घंटे के लिए ढक के रख देंगे और अच्छे से फूलने देंगे। दोस्तों, ये हमारा बैटर तकरीबन 4 घंटे फूल चुका है, ये देखिए कितना बढ़िया बैटर फूल गया है हमारा। ये मेरा ये नॉन स्टिक तवा भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल लगाऊंगा, तेल लगाने के बाद फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसको पकने देंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे, हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ से इसको निकालेंगे। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 4 मिनट बाद इसको हम पलट देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इस तरफ से भी इसे 3 मिनट तक पकने देंगे। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको पका लिया है। चलिए देखते हैं कैसा बना है हमारा। ये देखिए, ये हमारा उत्पम रेडी हो चुका है। इसी तरह हम 1 उत्पम और बना लेते हैं। दोस्तों, मेरा ये उत्पम रेडी हो गया है, अब मैं इसे सर्व करता हूँ। दोस्तों, मैं मेरा उत्पम लेके आ गया हूँ। देखिए, ये हरे धनिया टमाटर और मिर्च की चटनी है, ये है मेरे 2 उत्पम। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, कितना सॉफ्ट है बिल्कुल, आहा, चटनी में डुबो के ये देखिए। मजा आ गया, वेरी टेस्टी।
एक नंबर बना है दोस्तों, एक नंबर। आप भी ट्राई करके देखिए, मजा आ जाएगा। सच में बहुत लजीज है, घर में बनाना बहुत आसान है। दोस्तों अगर मेरी ये डिश आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि लगातार नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। ये उत्पम देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसको फटाफट खत्म कर लेता हूं। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।